Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Video requirement class grade 8 subject computer. Date 26th of July 2020. Open page number 1. हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एक्सेस 2013. इंट्रोडक्शन टू एक्सेस 2013. Our database management system DBMS arranges all your data in an orderly manner so that you can retrieve information easily whenever you need it. अब हमसे क्या कह रहे हैं कि database management होता क्या है? Database management एक ऐसा सिस्टम है जो कि अरेंज करता है आपके सारे डेटा को एक तरीके से एक सीक्वेंस में ताकि जब भी आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की नीड हो तो आप वहाँ से निकाल सकें. It is like keeping files in a drawer of a cupboard. In this chapter, you will learn about databases and Access 2013, a popular database management application. अब database management करता है क्या है कि सेम वही चीज़ें जैसे आप अपनी अलमारी में कोई फाइल रखते हैं आप जब आपको जरूरत होती है आप निकाल लेते हैं. इस चैप्टर में आप डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेस 2013 के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत मशहूर डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है. व्हाट इज अ डेटाबेस? अब हमसे पूछ रहे हैं कि डेटाबेस है क्या. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेंटेन डेटा पर्टेनिंग टू इट्स बिजनेस एम्प्लॉयज एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल अ स्कूल मेंटेन्स डेटा ऑन देयर स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल्स देयर एकेडमिक एंड को सर्कुलर अचीवमेंट्स एंड ऑन द डिटेल्स ऑफ देयर टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. अब डेटाबेस होता क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई ऑफिस है, कोई हॉस्पिटल है, हर किसी को वहाँ के लोगों का डेटा, वहाँ पे जो भी काम हो रहा होता है उसका डेटा रखने के लिए कुछ चाहिए होता है. अब जैसे स्कूल में किस चीज़ का हमें डेटा मेंटेन करना होता है, स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा होता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका GR नंबर है, फादर का कॉन्टैक्ट नंबर है, उस बच्चे ने कितनी अचीवमेंट्स ये सारा का सारा और टीचर की जो डिटेल्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की डिटेल्स होती हैं. दिस डेटा नीड्स टू बी अवेलेबल टू अ यूजर इजीली एंड प्रॉम्प्टली. यानी कि अब ये जितना भी डेटा होता है ये ज़रूरी है कि बिल्कुल अवेलेबल हो, यानी जब मैं चाहूँ कि अगर मैं GR नंबर 27 की डिटेल्स मांगना चाहूँ तो वो मुझे फ़ौरन फ़ौरन मिल जाए. दिस डेटा नीड्स टू बी अपडेटेड रेगुलरली एंड thus it is preferable to organize the data into a database. अब क्या है कि ऑफ कोर्स आपको जो भी डेटा होता है, यानी कि अगर मुझे किसी का GR नंबर पता चला है, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसकी पिक्चर है और उसकी जितनी भी अचीवमेंट हिस्ट्री है, मुझे ये सब पुट अप करना पड़ेगा ताकि डेटा बेस में वो जाके प्रॉपर एक डेटा बने. अ डेटा बेस इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा. अब डेटाबेस क्या है? सिंपली ऑर्गेनाइज कलेक्शन है. यानी अभी मैंने आपको प्रोसेस समझाया कि अगर ये बच्चे का GR नंबर मैंने इशू किया है तो उसके साथ उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी जितने भी हिस्ट्री है वो सारी की सारी मैं पुटअप करूँ ताकि वो एक ऑर्गेनाइज डेटा की फॉर्म में डेटाबेस में सेव हो जाए. डेटाबेस अरेंज इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली एक्सेस. ऑब्वियसली जब आप एक डेटा को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कहीं पे सेव करेंगे तो जब भी आपको चाहिए होगी वो आराम से एक्सेसिबल होगी. एलिमेंट्स ऑफ अ डेटाबेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस. अब हमने डेटाबेस समझ लिया कि है क्या, होता क्या है. अब हमें एलिमेंट्स का पढ़ने जा रहे हैं कि एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं. हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. यानी कि यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस पढ़ाए जा रहे हैं. ऑफ दीज द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर. अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स. अ टेबल ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू रोज एंड कॉल रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स कॉल्ड फील्ड्स. रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स टुगेदर मेक अ टेबल. ईच रिकॉर्ड डिफाइन इंफॉर्मेशन अबाउट वन एंटिटी एंड गिव्स कंप्लीट डिटेल अबाउट. Each field defines information of a certain type for all records, tables, fields and records form the elements of a relational database. अब हमें 4 elements बताए गए database के और इनमें से कहा जा रहा है कि relational database जो
मॉडल है वो ज़्यादा मशहूर है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे डेटा को टेबल के फॉर्म में लेके आता है, कॉलम्स की फॉर्म में लेके आता है। अब कॉलम ऑब्वियसली हमें आसान क्यों लगता है, हमने एक जी आर नंबर लिखा, सेकेंड रॉ में क्या आया उसका नाम आया, फिर फादर नेम आया, फिर कॉन्टेक्ट नंबर आया। इस तरीके से कॉलम वाइज वो सारे के सारे डिटेल्स आपको आराम से मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सी टेबल 1.1 कॉल एम्प्लॉई डेटा डिटेल्स शोइंग फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे एक पिक्चर है और हमें ये जो है रिलेशनल डेटाबेस हम जो पढ़ रहे थे उसकी एग्जाम्पल दी गई कि होता कैसे। जैसे एम्प्लॉई नंबर आ गया, एम्प्लॉई नेम आ गया, एम्प्लॉई टेलीफोन नंबर आ गया, एम्प्लॉई ईमेल आ गया, यानी कि मेरे पास एक एम्प्लॉई की सारी डिटेल आ गई। इट हैज टू रिकॉर्ड्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट टू एंटिटीज। जैसा कि इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि दो लोगों की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कॉलम वाइज, रजा आमिर एंड विनेश जावेद। इट हैज फोर फील्ड्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ दीज टू एंटिटीज। यानी कि अब यहाँ पे चार अलग अलग फील्ड हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई टेलीफोन नंबर और एम्प्लॉई ईमेल, यानी चार अलग अलग कैटेगरीज हैं और दो लोगों की इंफॉर्मेशन इसमें पूरी फिट होती है। फॉर एग्जाम्पल द फील्ड एम्प्लॉय ईमेल कंटेन्स द ईमेल एड्रेस ऑफ ईच एंटिटी। द अदर टू एलिमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर आर कीज एंड डेटा टाइप्स। हमने समझ लिया कि डेटाबेस था क्या, हमने ये भी समझ लिया कि सबसे मशहूर कौन सा डेटाबेस का एलिमेंट है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड एडिंग डेटा इन आर डेटाबेस। द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक्सेस, MySQL एंड Oracle आर सम पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है बेसिकली। अब हम इसमें बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं और ऐड करते हैं डेटा को डेटाबेस में, इसको क्या कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक्सेस, MySQL और Oracle जो है वो मशहूर डेटाबेस सिस्टम है जो कि आप जिनको आप लेकर अपना जो है वो काम करते हैं। फंक्शन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हेन अ लॉट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, इनकरेक्ट डेटा एक्सेट्रा। अब है क्या कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि जब हमारे पास कोई डेटा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकता है जब हम बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे होते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स, यहाँ से हम बाद में रीडिंग करेंगे, अभी जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है, जो भी हमने टॉपिक्स यहाँ पे रीड किए हैं, जैसे एलिमेंट्स ऑफ डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सब कुछ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या आ जाता है, व्हाट इज आर DBMS, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। हमसे क्या कह रहे हैं कि DBMS है क्या। आप देखिए यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, अगर कहीं पे आप DBMS देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। आंसर जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको समझा पढ़ा रही हूँ, आपको उस तरीके से अपनी वर्कबुक पे साफ सुथरी राइटिंग में काम करना है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डिफाइंड एज द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट अलाउज यूजर टू डिफाइन, क्रिएट, कंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस। DBMS मेक्स इट पॉसिबल फॉर एंड यूजर टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा इन डेटाबेस। इट इज अ लेयर बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको रीडिंग करके भी समझाया है कि आपको अलाउ करता है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें आप बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, सारा का सारा सिस्टम अपने एक्सेस में रखते हैं और उसमें हम पढ़ सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस सिस्टम में। एडवांटेजेस ऑफ DBMS, डेटा सिक्योरिटी, बेटर डेटा इंटीग्रेशन, मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी, फास्टर डेटा एक्सेस, बेटर डिसीजन मेकिंग,
सिंप्लिसिटी, यानी कि अब एडवांटेजेस क्या बताए जा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, डेटा सिक्योरिटी का ऑब्वियसली सिक्योर रहता है डेटा, कहीं गुम नहीं होता, चोरी नहीं होता, कोई पेज होता है गुम हो जाता है, हम भूल जाते हैं और हमने अपडेट किया तो वो सेव रहेगा उसमें। बेटर डेटा इंटीग्रेशन यानी कि बेहतर तरीके से वो मेंटेन रहेगा, मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी, फास्टर डेटा एक्सेस, बेटर डिसीजन मेकिंग और सिंप्लिसिटी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट आर द सिक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सिर्फ ये बताना है कि नाम बताने हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, टेबल्स, रिलेशनशिप्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट और मैक्रोज। जो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं कि आपने वर्कबुक में अच्छे से करने हैं, काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 31st ऑफ जुलाई 2021। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।